उत्तर प्रदेश रोडवेज बस अड्डा कादीपुर के पटेल चौक पर स्थित है। रोडवेज की बसें बस अड्डे के भीतर न रुककर लखनऊ बलिया राजमार्ग पे खड़ी होती हैं, जिससे आए दिन जाम की समस्या से राहगीरों को रूबरू होना होता है। इस विषय पे जब हमने सुल्तानपुर डिपो के परिचालक से जानकारी प्राप्त की तो जो कुछ परिचालक ने बताया उसे आपको एक बार जरूर सुनना और जानना चाहिए। देखें पूरी रिपोर्ट। पांडे, रोडवेज परिचालक सुल्तानपुर डिपो। इसका कारण ये है कि हमारे आरएम साहब का जो आदेश है, निर्देश है कि बस अड्डे के अंदर वाहन को खड़ा किया जाए, लेकिन हम लोग बस अड्डे के अंदर जब अपना वाहन खड़ा कर देते हैं उसके पहले प्राइवेट वाहन यहाँ डग्गा मार वाहन कम से कम दसियों वाहन यहाँ के रोड पर खड़े रहते हैं, जिन पे ना कोई प्रशासन अंकुश लगा रहा, ना हमारा विभाग लगा रहा, ना पुलिस वाले लगा रहे हैं। वो लोग सारी सवारियां लेके चले जाते हैं, हम लोग खड़े खड़े रह जाते हैं। अब बताइए इस व्यवस्था में, इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ की है कि यहाँ कोई भी प्राइवेट वाहन पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। हम कहाँ से इनकम लाए, कहाँ से आमदनी दें, कहाँ से रोडवेज जो घाटे में चल रही है कहाँ से इसको हम पूरा करें, आप बताइए। इसको पहले अंकुश लगाएं। हम तो चाहते हैं कि हम अपने रोडवेज परिसर में रहें, हमें क्या जरूरत रोड पे खड़े होने के लिए, चार बात सुनने के लिए। हम तो अपनी पूरी व्यवस्था का, अपनी सुरक्षा के साथ, हमारा कैश है, हमारे चालक हैं, हमारे यात्रीगण हैं, सबके लिए मैं यही चाहता हूं कि हम अपने रोडवेज परिसर में रहें, हमारी व्यवस्था अच्छी हो, हमारा वो बस अड्डा है, हमें क्या जरूरत है रोड पर रहने के लिए। लेकिन अधिकारियों ने मजबूर कर दिया है, इनकम नहीं लाओ तो वेतन काटते हैं, रूट ऑफ करते हैं, तरह तरह की भावनाओं से दंडित करते हैं। अब आप बताइए इस वजह से ये जो डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, गांव गांव से चल रहे हैं, इनको पहले अंकुश लगाया जाए, इनको रोका जाए। तो हम तो हमेशा तैयार रहेंगे अपने बस अड्डे के लिए, अपने बस अड्डे पर अपना हम काम करेंगे, सवारी बैठाएंगे, यात्रियों को अच्छी सुविधा देंगे।